नमस्कार, बिंदी भारत के साथ एक बार फिर मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख हलचलों पर एक नजर। खबर रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां नाबालिग प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने उसके घर फिल्म स्टाइल में पहुंच गई। घटना की जानकारी प्रेमी की मां को हुई तो वो किशोरी को लेकर थाने पहुंच गई, तो पुलिस ने उसके बेटे को लेकर थाने आने की बात कही। जब मां बेटे को लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने किशोरी के परिजनों को सूचना दी। परिजन थाना पहुंचे और प्रेमी की मां के साथ गाली गलौज करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, जब वो घर जाने लगी तो उसके साथ जमकर मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस पहुंची और घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि प्रेमी की मां चाहती थी कि दोनों परिवार राजी खुशी से विवाह कर लें। इतना नहीं, प्रेमिका ने भी बयान दिया कि वो अपनी स्वेच्छा से प्रेमी के घर पहुंची थी। आइए आपको सुनाते हैं पूरी घटना को लेकर घायल प्रेमी की मां ने क्या जानकारी दी। हमारे साथ ऐसा हुआ कि वो लड़की जो है हमारे घर गई, लड़का से मेरे प्यार करती है, तो लड़की घर गई तो देखिए लड़की है अभी नाबालिग। हम लड़की को रात में घर में रखी हूँ, सुबह लड़की को मैं थाने लेके आई हूँ, फिर बोले कि लड़का के लेके आओ, तो हम लड़का के भी लेके आए कि भाई माँ बाप के उसके हम बता दें लड़की हमारे घर में है, कोई हम गलत नहीं किए, लड़की को माँ बाप ले सकते हैं। और जो लड़की के शादी अगर करना है तो लड़की के माँ बाप शादी करें, तो माने दोनों पार्टी से खुशी के साथ मैं शादी करूँ, हम भगा के नहीं चाहती हूँ। फिर उसका बाप हमको गाली दिया, लड़की के बाप गाली दिया, लड़की के बड़ा बाप गाली दिया, हमको हरजा ही रंडी कहता है। कहाँ के रहने वाले हैं लड़की के बाप? बांस गांव की थाना गढ़ लगता है। गढ़ जी। मारपीट कौन किया है? मारपीट विनोद सोनी और उसको क्या नाम है के दिनेश सोनी। ये कौन है? बांस के हैं और भलुहई के दिनेश सोनी है। ये हमको मारे पहले लड़की की बाप में, फिर हमको ऑटो से पहले ढोसा मारिए, फिर दो चक्का से हमको मारिए, हम बेहोश हो गए, हमारे सिर में लगा हुआ है। लड़की अपने से आई थी आपके घर? हमारे घर लड़की अपने से आई थी। लड़की बयान दे रही है कि हमको कोई नहीं लेना गया, हम अपने से घूमने भागने गए, इसलिए हमारे लड़का को बंद कर लिए हमको। थाना हमारा ये मऊगंज थाना है, तो मऊगंज थाने वाले बोले कि आप गढ़ थाने जाइए, गढ़ थाने का लगेगा। हम गढ़ थाना गए, हमारा कोई रिपोर्ट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हमको बैठाए रहे, फिर हमको रात के कहते हैं कि तुम जाओ घर। मैं लड़की थाने में है, लड़का थाना में है। हाँ, लड़का का नाम है शिवम सोनी, लड़की का नाम है काजल सोनी। हमको कहें तुम घर जाओ, यहाँ नहीं बैठना है, हम बोले सर हम भी बैठे रहे यहाँ, कहीं नहीं बैठना है तुमको, यहाँ चलो हटो, हमको डांट लिया या पुलिस वाले। कहाँ चोट आई है? हमारे सिर में लगा हुआ है, हमारे पिठा पखौरा में लगा हुआ है, इस पैर में लगा हुआ है। आपका रामवती सोनी।